मैम ये सही तरीका तो नहीं है, बहुत लोग को देख के हो सकता है ऐसा लगे कि मतलब वो फीमेल्स के इसको हार्म कर रहा है, पर ये उनका पर्सनल लाइफ है तो उनमें इंटरफेयर करना हमारा। अगर गर्ल्स शेयर कर सकती है तो बॉयज भी शेयर कर सकते हैं। हम लोगों के पास काइली जेनर जैसा एग्जाम्पल है, उनका बहुत सारा फॉलोअर्स है, वो डालती हैं ऐसा फोटो, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर रणवीर सिंह से क्यों प्रॉब्लम है? अपना चॉइस अपनी लाइफ वाली है, हम जब हम अपने पे कोई बंदिश नहीं रख सकते फिर हमें दूसरे पे बंदिश रखने का कोई हक नहीं होता। मेरा कोई खास ओपिनियन नहीं है, मुझे नहीं लगता ये पोस्ट करने लायक है, क्योंकि बहुत सारे फॉलोवर्स अब उनको फॉलो करने लगे तो सब विदाउट शर्ट विदाउट पैंट। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। रणवीर सिंह की न्यूड फोटो का विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि यह कोई पहले एक्टर नहीं है जिन्होंने इस तरीके का फोटो जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया हो। कई स्टार्स जो है फोटो इस तरीके का सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं और फैन भी उनके तारीफ किए हैं। हालांकि रणवीर सिंह इस बार विवादों में पहुंच चुके हैं, हमारे साथ कुछ फैंस हैं उनके, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? आज के जनरेशन में ऐसा हो गया है कि न्यूडिज्म एकदम कॉमन आज के ज़माने में हो गया, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है पब्लिक में वो गलत नहीं है, उसको मेरे हिसाब से फॉर मी ये क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो कल को इसको एकदम पड़ेगा अगर आप उनके अगेंस्ट में काम करेंगे। मतलब फैन को अगर कुछ पसंद नहीं आएगा तो ऑब्वियसली उनका फैन फॉलोइंग घटेगा, बिल्कुल घटेगा। वो आजकल के जो फॉलो करते थे वो आप फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट हुआ है ना, जाते हैं पूरे वीडियो को। एक्चुअली मेरे मानने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैन नहीं है लेकिन फॉलो करते हैं जरूर इंस्टाग्राम पे। फैंस पे तो असर पड़ सकता है, फिल्मों पे असर ज़्यादा पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ ही रहा है, आप देख ही सकते हैं जिस तरह से। ऐसे मुझे इस बारे में कोई टॉपिक पे कहने लायक है नहीं। इस तरीके के फोटो न्यूड फोटो जो है वो तो वो उसका ओपिनियन है, उसमें हम लोग क्या ओपिनियन दे सकते हैं। फैंस पे भी कोई असर पड़ेगा? जो उनके फैंस होंगे उनको अच्छा लगता होगा, जो उसके एंटी फैन होंगे उनको नहीं अच्छा लगेगा। हमारे समाज पे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? समाज पे क्या है, वो तो बहुत सारा वो वैसे भी गलत चीज़ हो ही रहा है, तो उस पर एक चीज़ बस एक किसी के फ़ोटो से इतना क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिसको देखना है उसके थिंकिंग पे मैटर करता है लोगों के। थैंक यू। ठीक है, उनका चॉइस है। समाज पे भी असर पड़ सकता है क्या? हाँ, जिसको अच्छा नहीं लगता वो कंप्लेन कर सकता है। अक्सर देखा जाए तो हीरोइन इस तरीके का फ़ोटो शूट कराना बेहद पसंद करती थी, तो क्या लगता है कि अब लड़के भी इसमें इंटरेस्टेड हो? फैन पे भी असर पड़ेगा उनका, रणवीर सिंह का? हाँ, जिसको पसंद है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको नहीं पसंद उसको ऑब्जेक्ट होगा ही। इस तरीके से चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए क्या?
मतलब ऐसे चीज़ों को जो न्यूड फोटो बिना कपड़ों का शूट करते हों और अगर डालते हों सोशल मीडिया पे, ये तो क्या बढ़ावा देना चाहिए? अगर प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को देखने में तो नहीं देना चाहिए बढ़ावा। ऐसे डालना तो नहीं चाहिए, पर सबका अपना पर्सनल लाइफ होता है। जैसे एक उर्फी जावेद है, वो भी न्यूडिटी बहुत ज़्यादा डालती है फोटो, तो उसके खिलाफ भी मेरा मतलब अच्छा नहीं है कि ऐसे न्यूडिटी पोस्ट नहीं करना चाहिए, वल्गरेटी होता है। तो एक तरह से सही है मेरे ओपिनियन की तरह से, पुलिस जो FIR किया सही है एक तरह से, होना चाहिए। ओपिनियन रखती हैं, मतलब अगर लड़कियां भी डालती हैं तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है, और लड़के भी डाल रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो डालना ही नहीं चाहिए, बट डाल रहे हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इन लोग का पर्सनल लाइफ अपना डाल रहे हैं, FIR हो रहा है तो अच्छा तो नहीं है, पर वल्गरेटी है, ये सब नहीं डालना चाहिए मेरे हम लोग ख्याल से। अगर आप लड़कियों को नहीं बोल रहे तो लड़कों को क्यों बोल रहे हो? इतने अच्छे एक्टर होकर, इतने फेमस एक्टर होकर वो ऐसा काम कर सकते हैं, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी वो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनके फैंस भी कम हो जाएंगे क्या? हाँ, नहीं फैंस का असर कम नहीं होंगे, पर अच्छा असर नहीं हो रहा फैंस पे, मतलब अच्छे उम्मीद नहीं था हम लोग को ऐसा करेंगे। फेमस होने के लिए वो सब न्यूड होना कोई जरूरी नहीं है, बस यही होना चाहिए। थैंक यू। क्या कहना चाहती है आप लोग? क्या आप रणवीर सिंह के फैन है? वैसे मतलब फैन नहीं हूँ, पर मुझे वो अच्छा लगता है और अभी भी मुझे वो अच्छा लगता है। उसने जो किया कोई बात नहीं है, ठीक है, उसके लाइफ में वो जो भी डाले अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक है, अपना चॉइस अपनी लाइफ वाली है। हम जब हम अपने पे कोई बंदिश नहीं रख सकते तो फिर हमें दूसरे पे बंदिश रखने का कोई हक नहीं होता। मेरा कोई खास ओपिनियन नहीं है। अगर गर्ल शेयर कर सकती है तो बॉयज भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग के पास काइली जेनर जैसा एग्जांपल है, उनका बहुत सारा फॉलोअर्स है, वो डालती हैं ऐसा फोटो, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर रणवीर सिंह से क्यों प्रॉब्लम है? ओपिनियन रखती हैं। एक्चुअली मैं उनकी बड़ी फैन नहीं और उनको फॉलो नहीं करती हूँ, और मुझे उनके ऐसे नॉर्मल ड्रेस पसंद नहीं आता था, इसमें तो उन्होंने कुछ पहना ही नहीं। तो ऐसे न्यूड फोटो सोशल मीडिया पे मुझे नहीं लगता ये पोस्ट करने लायक है, क्योंकि बहुत सारे फॉलोवर्स, अब उनको फॉलो करने लगेंगे तो सब विदाउट शर्ट विदाउट पैंटी होंगे, पैंट पे भी असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली पड़ेगा, समाज पे भी प्रभाव पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली। इस तरह की जो फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने चाहिए? मैम ये सही तरीका तो नहीं है, बहुत लोग को देख के हो सकता है ऐसा लगे कि मतलब वो फीमेल्स के इसको हार्म कर रहा है, पर ये उनका पर्सनल लाइफ है तो उनमें इंटरफेयर करना हमारा कोई समाज पे भी असर पड़ेगा क्या? समाज पे असर पड़ेगा मैम, जैसे हम लोग अगर हम कोई अगर देखे तो उसको ये बोल सकता है कि हाँ मतलब सही फ़ोटो नहीं है, न्यूड फोटो सही नहीं होते, पर ये उनका पर्सनल लाइफ है तो वो चाहे जो करे उसमें हमें कोई ये नहीं है। हमारे समाज पे भी असर डालेगा इस तरह? जी मैम जरूर डालेगा, फेमस लोग डालते तो बहुत सारा सवाल उठता है उस पे, और मेरे लोग डाले ऐसे तो फोटो बंद होने चाहिए। ऑफ कोर्स बंद होना चाहिए। अगर कोई फैलाता है, अगर जो कि समाज पे प्रभाव पड़े तो ऐसे फोटो सोशल मीडिया नहीं 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 पोस्ट करने चाहिए ऐसे फोटो, चाहे इस तरीके का भी, चाहे अगर बॉलीवुड हो कोई भी फिल्म चीज हो तो उसमें ऐसे चीज होने चाहिए? नो मैम बिल्कुल नहीं।